मैं कह रहा हूं मोदी की अगर औकात, तो मैं मोदी को खुला चैलेंज देता हूं कि 2024 का जो चुनाव है उससे पहले ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव आप करवाओ, अगर मोदी की भी जमानत जब्त हो जाए तो कहना आप। जस्टिस देखिए, देश का सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठा नंबर वन प्रधानमंत्री है। मरेंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे, कारों की मौत तो मरेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन देश के प्रधानमंत्री का गुलाम है। आदमी से लड़ रहे हो, वो साम दाम दंड भेद न जाने कितने तरीके अपनाता है सत्ता को हासिल करने के लिए, उसे सत्ता की हवस है। 2024 का चुनाव अगर उसने ईवीएम से करा लिया वो जीत जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी को मालूम है, हाँ राहुल गांधी को सारी चीज मालूम है ईवीएम के विषय में। और 43 से 45 करोड़ रुपए प्रतिदिन जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन पर खर्च करता है। दोबारा चुनाव नहीं होंगे, एक बार चुनाव हो गए, अब किसी में हिम्मत नहीं है जो इन चुनावों को दोबारा चुनाव करने की कोई बात कह भी सके। इस धरती पर जो आया है देर सवेर सबको जाना है, कोई अपनी मौत मरता है, किसी को मरवा दिया जाता है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। खत्म।